जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब जब मानवता निराश और हताश होगी तब तब स्वामी विवेकानंद जी के उत्साही ओज एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर स्वामी जी के विचार जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे। आज VSVP मंडला के द्वारा नर्मदा तट के किनारे स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके उपलक्ष्य में शहीद आजम भगत सिंह के परिवार और उनके भतीजे अभय सिंह सिद्धू की उपस्थिति रही और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता शहर में हुआ था। स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी एवं गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र बाल्यकाल की अवस्था से ही अत्यधिक कुशल एवं बुद्धिमान थे। इसके साथ ही नरेंद्र बहुत शरारती और चंचल भी थे। उनके घर का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से नरेंद्र का मन बचपन से ही धार्मिक और धर्म से जुड़ता चला गया। नरेंद्र बचपन से ही अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। उनके मन में बालकाल से ही ईश्वर को जानने की इच्छा थी। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। बढ़ावा नहीं देना चाहिए, छात्रों का जो मसले हैं उनको बैठ के निपटाना चाहिए, ताकि ऐसा देश में जो वातावरण बन रहा है एक छोटी सी बात पे और ऐसे लोग जो नकाबपोश होकर गुंडागर्दी करते हैं उनको उजागर करके उनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आज मंडला पे शहीद आजम भगत सिंह के जो है परिवार वाले आए और साथ ही साथ जो है रपटा पे जो है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जयंती जो है मनाई गई। क्या था पूरा कार्यक्रम, आइए बात करते हैं क्या था आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे पूरा कार्यक्रम। बहुत ही सौभाग्य का विषय यह है कि हमारे महिष्मती नगरी मंडला में किसी शहीद के, जैसे कि सब जानते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को हर युवाओं के दिल में बसते हैं, उनके पीढ़ी से एक उनके भगत सिंह के भतीजे आए, कितना गौरवमय विषय है कि हम लोग उनसे लगातार 4 वर्षों से बात कर रहे थे और 4 वर्षों के बाद वो अब आके उनका समय सुनिश्चित हुआ और इस विषय पर आज हमने स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर उनका एक ओजस्वी व्यक्तित्व सुना और भगत सिंह के बारे में जितना और ना जाना था वो आज जानने को हमें उनके द्वारा मिला। क्या युवाओं को संदेश दिया गया आज के आयोजन पे? युवा एक हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी शरीर में मुख्य काम करती है वैसे युवा आजकल देश में उस प्रकृति उस भांति का कार्य करता है कि सिर्फ युवाओं को अपने एक दिशा सुनिश्चित करनी चाहिए, अपने मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए और युवा आजकल जो पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहे हैं, जैसा देखते हैं कि हम अपनी देसी संस्कृति को भूल के पश्चिमी दिशा में खोए जा रहे हैं, ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है और युवाओं को हमें समझना पड़ेगा कि युवा अपने कर्म के लिए अपने जिज्ञासा के लिए वो क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है और देश संवार सकता है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं आज जगह जगह कश्मीरों में हमने देखी पत्थरबाजी युवाओं के द्वारा करवाते हैं या JNU में जिस प्रकार हो रहा है आपसी संगठन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये युवाओं की एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से अपना आपा खो बैठे हैं, उन्हें अपने वर्चस्व की अपने दिशा की अपने आयु की अपने कद्र की किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से हमें अपना भविष्य संवारना है।